Hello guys, welcome to our YouTube channel that is Magical Education. My name is Gajendra Singh and I teach chemistry. Last class mein I have discussed classification and nomenclature. To aaj hum padhne ja rahe hain last topics ke kuch examples. But before that, I want to share some important information that aap Kumar Ketan sir ko Unacademy learning app pe jaake follow kar sakte ho for study material of physics topic. Jaise इसका क्या बेनिफिट होगा, जैसे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ्स या फिर ऑल अदर इम्पॉर्टेंट क्वेरीज या फिर डाउट्स सेशन, वो भी सारे इसमें इंक्लूडेड हैं. ओके, तो ये सब आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, जो कि सारे अवेलेबल हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप. ओके, देन वी मूव टूअर टूडेज टॉपिक दैट इज़ नोमेनक्लेचर एग्जाम्पल्स. तो मैं डिस्कस करता हूँ वन बाई वन. ओके, जैसे फर्स्ट इलस्ट्रेशन की मैं बात करूं, तो इस केस में क्या होगा, क्या क्वेश्चन है हम वो रीड करते हैं, देन एनालिसिस करेंगे. ओके, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, तो इसमें क्या होगा, ये कोई इलस्ट्रेशन है मेरे पास, इसमें क्वेश्चन रीड करते हैं. ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैव द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ C5H11Br. नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू द IUPAC नेम्स सिस्टम एंड क्लासीफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. मीन्स कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं इस मॉलिकुलर फार्मूला से, ये हमें डिस्कस करना है. ठीक है, देन उसके बाद मुझे ये भी मेंशन करना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है. ओके, अब लाइक दैट कौन सा हैलोजन एटम गिवन है मेरे पास, मुझे ब्रोमीन दे रखा है जो कि एक हैलोजन एटम है, जिसकी पोजिशन मैं बार बार शिफ्ट करके क्या बना सकता हूँ, डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकता हूँ. इसके कितने पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन है सॉल्यूशन में, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं. कैसे, जब भी मैं ब्रोमीन एटम को शिफ्ट करूँगा फ्रॉम टर्मिनल टू, उसको दो कार्बन एटम्स के बीच में शिफ्ट करूँगा, देन आफ्टर दैट थर्ड कार्बन एटम के बीच में ले गया मैं. ठीक है, जैसे ये पोजीशन है, तो इस केस में क्या होगा, डिग्री क्या होगी इसकी, इस केस में डिग्री क्या होगी, अगर मैं डिग्री की बात करूं, तो डिग्री होगी फर्स्ट वाले कंपाउंड की 1 डिग्री. और IUPAC नोमेनक्लेचर हमें पहले से ही डिस्कस किया हुआ है, कैसे करते हैं, पेरेंट चेन सेलेक्ट करें एंड पेरेंट चेन विल बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल कार्बन एटम्स इन ए स्ट्रेट चेन. ओके, तो इसमें कितने पॉसिबल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 कार्बन एटम्स पॉसिबल हैं. ओके, एंड ब्रोमीन इज अटैच्ड टू द टर्मिनल कार्बन एटम, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो पेंटेन. ओके, देन वी मूव टू अवर सेकंड कंपाउंड. इसमें ब्रोमीन एटम की पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है, मींस इट इज 2 डिग्री, इट इज टर्म, इसका अटैचमेंट कैसे है, आइदर साइड से कार्बन एटम से ये अटैच्ड है. ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री. तो इसको पूरे कंपाउंड की नेमिंग करूँगा तो क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो पेंटेन. लाइक दैट इफ यू मूव टू आवर थर्ड कंपाउंड, तो इसमें क्या होगा, थर्ड कंपाउंड की मैं बात करूँ, तो इस केस में ब्रोमीन एटम की डिग्री क्या है, सेम है, मीन्स इट इज अटैच टू द आइदर साइड ऑफ कार्बन एटम्स, और वो क्या है, 2 डिग्री. ठीक है, तो 2 डिग्री है, इस केस में भी इसका पोजीशन चेंज हो गई है बस, और डिग्री क्या है, सेम है. तो पोजीशन कैसे, सेम पोजीशन शिफ्ट हो गई है, बिकॉज ब्रोमीन एटम नाउ लाइज बिटवीन द ओपन चेन स्ट्रक्चर. ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, अगर नेमिंग करेंगे तो 3 ब्रोमो पेंटेन, विच इज़ 2 डिग्री. देन अगर मैं नेक्स्ट कंपाउंड की बात करूँ, नेक्स्ट कंपाउंड क्या होगा मेरा, नेक्स्ट कंपाउंड हैज़ 2 मिथाइल ग्रुप्स इस टर्मिनल कार्बन एटम से अटैच्ड हैं. ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हुए, 5 ही होने चाहिए जैसा कि गिवन है क्वेश्चन में, बट ब्रोमीन एटम भी क्या है, यहाँ पे टर्मिनल कार्बन पे अटैच्ड है. एंड अगर मैं इसमें चेंज की बात करूँ, तो इसमें मिथाइल की पोजीशन को चेंज किया गया है, मिथाइल की पोजीशन को चेंज करके क्या बनाया, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन. एंड डिग्री सेलेक्टेड ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अटैचमेंट ऑफ हेलोजन एटम, मीन्स डिग्री किस पर डिपेंड कर रही है, हेलोजन एटम के अटैचमेंट पर. ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इस कंपाउंड की, तो क्या है, ये गिवन है मेरे पास,
दो मिथाइल ग्रुप्स एंड ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर दी है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हेलोजन एटम को शिफ्ट कर रहे हैं, उससे शिफ्ट करके जो पोजीशन आ रही है उससे दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिल रहे हैं, देन मैं क्या कर रहा हूँ मिथाइल का भी शिफ्ट कर रहा हूँ, एंड मिथाइल का शिफ्ट करके उसी के साथ क्या कर रहा हूँ मैं हेलोजन एटम का भी शिफ्ट कर रहा हूँ, जिससे मुझे डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिल रहे हैं, जैसे हम देख सकते हैं इन दोनों कंपाउंड्स में। ओके, नाउ मैं सेकेंड लास्ट एटम की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, इसमें भी मिथाइल की पोजीशन क्या है, मिथाइल को एक ब्रांचिंग मिल गई है, एंड ब्रांचिंग की वजह से इस स्ट्रक्चर में भी क्या है डिफरेंस आया, मीन्स एक डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मुझे मिला है। तो इसको क्या नेमिंग करेंगे, वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ तो पेंटेन आ रहे थे, मीन्स फाइव कार्बन एटम्स की चेन आ रही थी, देन ब्यूटेन आ गया यानी कि फोर कार्बन एटम्स रह गए, मीन्स पोजिशन चेंज कर रहे हैं मिथाइल ग्रुप एज वेल एज हेलोजन एटम। देन लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट आप देख रहे हो इस केस में क्या हुआ है कि जो मिथाइल ग्रुप्स है इस कार्बन पर थ्री मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए हैं। ठीक है, थ्री मिथाइल ग्रुप्स लगाने का ये बेनिफिट है कि ये कार्बन क्या बन गया मेरा, थ्री डिग्री कार्बन, एंड थ्री डिग्री कार्बन बनते ही अगर ये ब्रोमीन इस थ्री डिग्री कार्बन से अटैच्ड होता तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, थ्री डिग्री बोलते हैं ना कि वन डिग्री। तो अभी क्या है ये टर्मिनल पर ये एडअप कर रखा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, वन डिग्री। ठीक है, तो ये था मेरा एक एग्जांपल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पर बेस्ड, ऐसे क्वेश्चंस आईआईटी जेई वगैरह में पूछे जाते हैं मेनली, और मेडिकल एग्जाम्स में इनका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है कि बताओ कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, या ये ऑप्शन में नहीं दे रखा होगा, ये सारी चीज़ें आपको खुद ड्रॉ करके एनालाइज करनी पड़ेंगी। ओके, देन हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो वन बाय वन मैं सारे एक्सप्लेन करूँगा, आपको बस ध्यान देना है। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये गिवन है कोई चेन, ये क्या है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। दो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, एक तो डबल बॉन्ड एंड सेकेंड हेलोजन एटम। अगर मैं इस सारे क्वेश्चंस की बात करूं तो सब में आप देख रहे होंगे कि डबल बॉन्ड गिवन है एंड एक हेलोजन एटम गिवन है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी ज़्यादा, डबल बॉन्ड को। तो फंक्शनल ग्रुप की हम प्रायोरिटी सबसे पहले बेसिस पर रखेंगे, देन क्या रखेंगे हम उसके पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं ये भी हम डिसाइड करेंगे यहाँ से। ओके, तो मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड की, एंड देन सेकंड स्टेप होगा मेरा पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना। उससे पहले मैं आपको एक और बेसिक क्लियर कर देता हूँ कि हम बेसिकली नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ लेते हैं। जैसे मेरा होता है वर्ड रूट प्लस वन डिग्री सफिक्स प्लस टू डिग्री सफिक्स। ठीक है, देन इधर क्या आएगा, वन डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, एंड वन डिग्री सफिक्स की बात करूँ तो ये होगा मेरा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या आएगा, सैचुरेटेड में तो अल्केन्स आएंगे सारे, उनको कैसे नोट करूँगा मैं, ए इन के फॉर्म में, एंड अनसैचुरेटेड को ई इन या फिर आयन के फॉर्म में। ठीक है, देन अगर मैं बात करूँ तो वन डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, वन डिग्री प्रीफिक्स की मैं बात करूँ तो इसमें ग्रुप्स आएंगे जैसे नाइट्रो ग्रुप्स एंड अल्काइल ग्रुप्स, देन सारे हेलो ग्रुप्स। ठीक है, लाइक दैट वी विल कंसिडर, और जो भी सब्सटीट्यूएंट चेंज होंगे उनको भी कंसिडर करूँगा मैं इसमें। ओके, देन इफ अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो क्या होगा, टू डिग्री सफिक्स में बेसिकली क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स में क्या होगा, एक अरेंजमेंट होगा प्रायोरिटी अकॉर्डिंग के अकॉर्ड अनुसार। ठीक है, मींस जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स गिवन है किसी कंपाउंड में तो उनको हमें अरेंज करना है प्रायोरिटी बेसिस पे। ओके, देन मैं बात करूँ वर्ड रूट की, अगर मैं बात करता हूँ तो वर्ड रूट में सबको आइडिया होगा, वर्ड रूट में क्या आता है, मैक्सिमम पॉसिबल कार्बन एटम्स। ठीक है, वर्ड रूट में
तो ऐसे हम नेमिंग करते हैं, IUPAC नेमिंग सिस्टम। ओके, देन अब मैं फर्स्ट कंपाउंड लेता हूँ, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इसको। ओके, जैसे मेरे पास फर्स्ट कंपाउंड गिवन है, फर्स्ट कंपाउंड में क्या है, डबल बॉन्ड गिवन है, तो मैं स्टेट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट चेन होगी 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड आपको दिख रहा होगा कि ब्रोमिन एटम किस पर अटैच्ड है, मेरा फोर्थ पोजीशन पे। तो फोर्थ पोजीशन में हम जब भी IUPAC की नेमिंग करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हेलोजन ग्रुप्स की नेमिंग करते हैं। तो क्या होगा, 1, 4 ब्रोमो पेंट, पेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 5 कार्बन एटम्स हैं। ये क्या हो गया, मेरा वर्ड रूट हो गया, ठीक है। देन सेकंड, ये क्या हो गया, टू इन का मतलब क्या है, सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड अटैच्ड है, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पर अगर डबल बॉन्ड का अटैचमेंट है तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि मेरा ये डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पर लाई कर जाएगा, ठीक है, जिससे मुझे मिलेगा ओवरऑल स्ट्रक्चर 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। देन हम सेकंड कंपाउंड की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे और फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी मुझे ऑलरेडी पता है। तो कैसे होगा, लेट अस सपोज, ये हमें इम्पोर्टेंट बात है कि हमें ये डबल बॉन्ड है ये एग्जिस्ट करना चाहिए एडजेसेंट पोजिशन, एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे। इसके अलावा ये ऐसे ऐसे नहीं लाई करना चाहिए कि वन पोजिशन हमने इसको दे दिया देन मूव फॉरवर्ड टू अनदर सिचुएशन, मीन्स टू हमने ब्रोमीन को दे दिया। अगर वन मैंने डबल बॉन्ड से स्टार्ट किया है तो टू भी मेरे को उसकी एंडिंग पे डालना पड़ेगा, ये क्या है, कंपल्सरी है, ठीक है, कंपल्सरी कंडीशन। मींस डबल बॉन्ड मस्ट बी लाई बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स जब भी मैं नेमिंग कर रहा हूँ पेरेंट चेन की। ओके, देन अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं नेमिंग करता हूँ, मैं कंसिडर करता हूँ 1, 2, 3, 4, तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल कार्बन एटम्स कितने पॉसिबल हैं, 4 कार्बन एटम्स। ओके, तो 4 कार्बन एटम्स में सेकेंड पोजिशन पर मिथाइल ग्रुप लगाए एंड थर्ड पोजिशन पर ब्रोमीन ग्रुप लगाए, तो इसकी ओवरऑल नेमिंग क्या होगी, वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट, 1 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा, इन, इन किस पोजीशन पे है, 1 पे, एंड ब्रोमीन एटम किस पे है, 3rd पोजीशन पे, एंड 2nd पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप। तो ओवरऑल नेमिंग क्या हो जाएगी, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं, फोर्थ एग्जांपल में क्या गिवन है, थर्ड एग्जांपल की मैं बात करूं तो इसमें भी क्या, पेरेंट चेन सेलेक्ट करो और प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमें ऑलरेडी पता है। तो क्या होगी, 1 मान लो मैं ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करता हूं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल कार्बन एटम्स 5 पॉसिबल हैं, तो वर्ड रूट क्या आ गया मेरा, 5 पेंटेन, ठीक है। देन 4 पे मेरा ब्रोमीन एटम अटैच्ड है एंड 3 पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ओके, देन ओवरऑल नेमिंग क्या होगी, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। ओके, तो ये होगी मेरी इस कंपाउंड की नेमिंग। देन नेक्स्ट कंपाउंड गिवन है, इसमें नेमिंग करते हैं, इसमें नेमिंग कैसे करेंगे कि मैं अगर नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1, 2, 3 एंड 4, अगर मैं इस पोजीशन से नेमिंग करता हूँ तो क्या है मेरा, मुझे एक ऑर्डर मिल जाएगा कि मैं ब्रोमीन एटम को भी प्रायोरिटी दे सकूं, और लोएस्ट प्रायोरिटी अगर लोएस्ट न्यूमरल किसी हेलोजन एटम के साथ साथ किसी फंक्शनल ग्रुप को भी ले सकता हूं तो वो सबसे बेस्ट कंडीशन है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हेलोजन एटम को भी लोएस्ट न्यूमरल मिल रहा है, तो ये क्या है, बेस्ट कंडीशन है, इसीलिए मैंने नेमिंग इस साइड से कर रहा हूं। तो 1 पर ब्रोमो आ जाएगा, देन 2 पर क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, एंड 4 एंड ओवरऑल कितने कार्बन एटम्स हैं इसमें, 4 पेरेंट चेन में, तो क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, जो कि ये वाली एग्जांपल है। ओके, देन आई मूव टू द नेक्स्ट कंपाउंड, तो कंपाउंड गिवन है, इसमें भी क्या करेंगे हम, ऐसी सिचुएशन देखेंगे, ऐसा पॉसिबल कंडीशन देखेंगे जिसमें क्या हेलोजन एटम को भी कम न्यूमरल मिल जाए और डबल बॉन्ड को भी कम, मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे उसकी भी एग्जिस्टेंस क्या हो जाए, कम न्यूमरल पे बेस्ड हो। जैसे मैं बात करता हूँ न्यूमरल की, मैं बात करूँ तो पोजीशंस हम सेलेक्ट करते हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो ब्रोमीन 1, 2, 3 एंड 4, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए, 4, तो इसको वर्ड रूट क्या आ जाएगा, ब्यूट, लाइक दैट यहाँ पे देख सकते हो। ओके, देन
और कोई पॉसिबल कंडीशन है? नहीं है। अगर मैं नेमिंग इस मिथाइल ग्रुप से स्टार्ट करता तो ब्रोमीन यानी हेलोजन एटम को लास्ट यानी फोर पोजीशन मिल रही है। फोर पोजीशन एक अच्छा मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। करते क्या है हम बेसिकली कि लोएस्ट नंबर मिले किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, ऐसी पॉसिबल कंडीशन हो तो वो सबसे बेस्ट हो जाती है। ओके, देन इसकी नेमिंग ओवरऑल क्या होगी? वन ब्रोमो ब्यूट टू इन। अगर मैं सिक्स्थ कंपाउंड की बात करूँ, सिक्स्थ कंपाउंड गिवन है हमारे पास, सिक्स्थ कंपाउंड का क्या है इसमें नेमिंग करते हैं, तो इस केस में भी क्या है, अब डबल बॉन्ड को क्या पॉसिबल है? वन न्यूमरल पॉसिबल है। ऑल ये फोर्थ और फिफ्थ केसेस में क्या हो रहा था कि टू और थ्री पॉसिबल थी बस ओनली। अगर मैं किसी भी सिचुएशन से ले रहा था नंबरिंग तो न्यूमरल कितना मिल रहा था? टू। तो टू कि अब इसको पोजीशन में क्या है, वन न्यूमरल की पॉसिबिलिटी है, तो हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये होगा मेरा बेस्ट मेथड। तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे? वन टू एंड थ्री, थ्री पे ब्रोमो एंड टू पे मिथाइल एंड प्रोपीन। प्रोपीन क्या, प्रोप क्या हो जाएगा? वर्ड रूट। एंड इन क्या हो जाएगा? वन डिग्री सफिक्स। तो ओवरऑल नेमिंग क्या होगी? थ्री ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपीन। ओके, तो ये डिस्कशन था इस लेक्चर के लिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेसिकली बात करूँगा नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड्स। ठीक है, यानी कि कार्बन और हेलोजन बॉन्ड कभी भी बन रहा है तो उनका क्या नेचर होगा, क्या क्या कंडीशंस आएंगी, क्या पोलरिटी जनरेट होगी, क्या एक डाइपोल कंडीशन आएगी, वो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।